हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 3.3। सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी और इसके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर का ही एक टाइप होता है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दैट मींस दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मींस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और जो उसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स दिए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट पार्ट है एडी, एडी इक्वल्स टू, सो ये एडी है, एडी किसके इक्वल है, बीसी के, सो एडी इक्वल्स टू बीसी, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ कमिंग टू पार्ट सेकेंड, दैट इज एंगल डी सी डी इक्वल्स टू, दैट मीन्स डी सी और बी। सो मैंने आपको बताया था कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स डी सी बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ कमिंग टू पार्ट 3, दैट इज ओसी। सो ओसी, ओसी क्या है हमारा, एक डायगोनल है। सो ओसी किसके इक्वल होगा, ओए के, क्यों, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ओ सी इक्वल्स टू ओ ए बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल्स टू, हमें बताना है डी ए बी और सी डी ए। सो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल की वर्टिस कॉमन होती है, सो इसमें क्या कॉमन आ रही है, डी ए, दैट मीन्स ये 180 डिग्री होगा। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री।